गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे इंदुलेखा। हाँ सर, आ गए आप। हम इंतजार कर रहे थे, वाइफ नहीं आई। नहीं। ओ, इस घर का डिजाइन सबको पसंद आ गया। थैंक यू। बेटी पहचानती हो ना, ये हमारे आर्किटेक्ट हैं। हाँ आइए सर, इधर। गप्पे मारना छोड़ करके जाके लोगों का स्वागत करो। साले साहब वहाँ तन्हा है, जाओ। सुनो, मेयर आगे क्या? वो आ गए हैं, तुम जाओ। हाँ। मेयर साहब, आप फिल्म वगैरह भी देखते हैं क्या? इसलिए सारा काम छोड़ कर इस फंक्शन में आया। हेलो सर। इससे पहले की फिल्म मेरी देखी आपने? रवि जी, आप हमेशा कॉमेडी फिल्म ही बनाते हैं, थोड़ा सीरियस फिल्म भी ले लिया कीजिए। कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए भी अकल चाहिए? देखिए सच कहूँ तो मैं सीरियस फिल्म ही ज्यादा देखता हूँ। ये खान साहब आपका चहेता आर्टिस्ट है ना? किसी इंसान को हंसाना इतना आसान काम नहीं है मेयर साहब, इस बात को ये अच्छी तरह जानता है, अच्छी तरह से। रवि बाबू, आपके नजर में मजाक उड़ाना ही कॉमेडी है क्या? मैं नहीं मानता, किसी को सोचने के लिए मजबूर करना बहुत मुश्किल का काम है। और इन दोनों को एक साथ लेके जाना बहुत ही मुश्किल है। और उन दोनों को एक साथ ले जाने वाले एक आदमी था, चार्ली चैप्लिन। अरे नहीं, वो तो एक कॉमेडियन था। सुनिए, ऐसा मत बोलिए, उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, वो है चार्ली चैप्लिन। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। और मैं भी नहीं बोलूंगा। आप लोगों की राय नहीं चाहिए, जनता बोल रही है। फिल्म से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्या कॉमेडियन ही बड़ा स्टार है? हेलो, सुनिए, कॉमेडियन जो है वो एक शोमैन है। आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा उधर होके आता हूँ। बदतमीज दिल मलिना मलिना, बदतमीज दिल मलिना मलिना। ये जो हाल है, सफाल है, कमाल है। इस फोटो को यहाँ पे टांग दूँ क्या? अच्छा नहीं होगा, अब इसे कहाँ पे टांगू मैं? अरे डैडी, आजकल दीवार पे कोई फोटो नहीं टांगते, ये सब पुराने जमाने की बात है। शिट। अच्छा, ये फोटो किसकी है? कौन सी? वो कॉर्नर वाली। थोड़ा धीरे बोलो, वो है सुभाष चंद्र बोस। तो बीच में कौन है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी स्कूल जाओ, स्कूल में क्या क्या सीखते हैं। ए नहीं नहीं, गाड़ी मत भेजना, शाम 9 बजे मैं पहुंच जाऊंगी। वैसे शूटिंग भी जल्दी खत्म हो जाएगी, अमावस है ना आज। मैजिक हवा बोल के कैमरामैन और डायरेक्टर हमारे पीछे नहीं दौड़ेंगे ना, यही बड़ी बात है। ठीक है।
इसे पकड़ना। हमें तो 8 बजे आने के लिए बोला था। हाँ लगता है कोई आ रहा है। हाँ हाय गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, नेशनल टीवी से आ रही हूँ। 8 बजे आपने अपॉइंटमेंट दी थी सर। ओ आई सी, मैं अभी आया। हाँ हाल ही में आपकी पिक्चर देखी, बहुत अच्छी थी। ओह थैंक यू। न्यू जनरेशन के बारे में आपका क्या अभिप्राय है सर? ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है मैडम। सुंदर सा मकान, व्यवसाय का नाम, पुरस्कार, चैरिटी वगैरह, ये सब सिनेमा की ही उपलब्धियां है ना सर? Rome was not built in one day, I think you know. अभिनय जीवन का 20 वर्ष आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए, लगभग 20 साल से मैं लोगों को हंसाते हुए आ रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के जरिए। काफी अनुभव मिला। अभिनय भी जिंदगी का एक पहलू है। एक मिनट कट। ओफो, मैंने कहा था ना कि संभल के काम करना हमेशा। तुम बेवकूफ लोगों को काम पे लगाया है तुमने। क्या हुआ? क्या होना है? दादाजी नीचे पड़े, देखो। ओह नो, ये कैसे गिर गई? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं सर, मैं ठीक हूँ। सुनो, मीनाक्षी का टिफिन बॉक्स रेडी किया कि नहीं? जल्दी लेकर आओ। कोई पहाड़ तो नहीं टूटा, फोटो ही तो टूटी है ना? हाँ दादाजी की फोटो ही टूटी है। तुम्हें दुख नहीं होगा लेकिन तुम्हारे डैडी को तो होगा। तुम्हें पता है जब इनकी शादी मुझसे हुई थी तो इन्हें विरासत में यही चीजें मिली थी। ये फोटो इंटरव्यू के बाद ठीक कर लेंगे। सर चार्ली चैपलिन के फिल्मों में आए 100 बरस हो चुके हैं, उन पर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। जल्दी चलो। उनके फिल्मों के बारे में 2 शब्द बोल सकते हैं आप? मैं चार्ली चैपलिन का फैन हूँ लेकिन उनकी कॉपी नहीं करता मैं। ओह लोकेशन जाने का टाइम हो गया। वो डायरेक्टर खड़ूस है, आप लोग वहाँ ये वहाँ इंटरव्यू देता हूँ मैं। मैडम शॉट रेडी। मेरा मेकअप चला गया और उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैडम टचअप करूं? नॉट नाउ। देखिए बुरा मत मानिए, दादाजी सुबह सुबह गिर गए थे। सॉरी। कौन दादाजी? सर पहले से ही आप 1 घंटा लेट हैं। डायरेक्टर ब्रेकफास्ट करने के लिए गया और हीरोइन बहुत टेंशन में है। जरा जल्दी करो मेरे भाई, समय लगेगा, विग भी पहनाना है। विग के बिना हम एक्टिंग कैसे करेंगे भाई? जल्दीबाजी करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। कोई बात नहीं, गलती मेरी ही है, ये सब बिटिया के कारण हुआ। उसे स्कूल में ड्रॉप करने गया था और मैं लेट हो गया। ये बताइए बेटी माँ के समान ही जिद्दी है क्या? बच गया, वो नहीं उसमें, फिर भी वो माँ से कम भी नहीं है। अगर आप बिटिया को भी लेकर के आते तो माँ से भी मिल लेती। वो सब छोड़ो, पहले काम करो। ओके। कैमरा ऑन, एक्शन। सॉरी सर, तबला इज नॉट फॉलोइंग मी। शिट।
ओके कैमरा ऑन एक्शन। आओ संभल के। कल यही कहीं देखा मैंने। चलो हम ढूंढते हैं। हाँ वही है। इसी के बारे में मैंने तुमसे कल जिक्र किया था। क्या हुआ, मूड ठीक नहीं है क्या? नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो प्रिंसी को खबर हो जाएगी। ओह यार, दोस्तों से तंग आ चुका हूँ मैं। वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं इतनी सुंदर लड़की से प्यार करते हो और उसके सुंदर गालों को किस करने की भी हिम्मत नहीं है तुम्हें। उसके लिए तो गट्स चाहिए। ओह तो तुम्हारे मुँह से ये डायलॉग सुनने के लिए मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। संभल के। मीनाक्षी, मीनाक्षी देखो यही पौधे की जरूरत थी हमें। मीनाक्षी तुम चली जाओ। आदमी की एनाटॉमी भी इसी तरह है, उसे हम सीके जोड़ सकते हैं। ये जो मन है ना, ये अगर टूट गया तो उसे सीना बहुत ही मुश्किल है बेटी। डैडी आज तुमने कुछ ज्यादा पी रखी है। चल भाग। सही कह रही है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही पीने लगे हो। जब तक दादाजी की ये तस्वीर दीवार पर नहीं टंगेगी ये गम भुलाने के लिए पीते रहेंगे। कोई बहाना चाहिए ना। चलो खाना तैयार है। इस तरह फिलोसफी करना छोड़ के चलो खाना खाने। चश्मा लाओ बेटी वरना दादो को नहीं देख पाऊंगा। तुम जाओ मैं आता हूँ। कैसा है? हम्म,
आज इतने खुश क्यों हैं? आज तुम्हारी पसंद की चिकन करी जो बनी है इसलिए ना। मीनाक्षी तुम फोटो का मजाक मत उड़ाना, तुम्हारे दादा स्वतंत्र सेनानी थे। और तुम्हारे दादा कुश्ती क्या करते थे पता है? पहलवानों की भीड़ हुआ करती थी घर में, पड़ोसी अंग्रेज के घर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती थी। एक चिड़िया अखाड़े में गिर के मर गई, दादाजी कहाँ छोड़ने वाले थे, अंग्रेज को पटकने गए वो। फिर क्या हुआ बताने की जरूरत है बोलो। कुछ बोलना मत, तुम बहुत सुन चुकी हूँ और सुन सुन के कान पक गए हैं मेरे। रूम को अंदर से बंद करते ही समझ गई मैं, पूरी बोतल फिनिश करेंगे। ये लो, सिर्फ चपाती क्यों, करी भी ले लो। थैंक्स। बस आज भी उनका मन ऐसा लगता है जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। एक आदमी के मन में क्या हो रहा है ये जानना बहुत मुश्किल है। 100 बरस भले एक साथ क्यों ना जिए हों, हमसे नहीं हो पा रहा है लेकिन सब दर्शकों के मन में जगह बनाने में सक्षम है किरदार और हम कलाकार। करेक्ट। ओके सर। क्यों धर्मेंद्र जी, क्या हुआ? एक और टेक लेते हैं। इंदु, हाँ, विल गो फॉर वन मोर टेक। ओके सर। हाँ, तुम्हारी प्रतिक्रिया तो परफेक्ट है, उसे ही कंटिन्यू करो। ओके ओके सर। ओके गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया तक नहीं। इसी को सडन विजिट कहते हैं। चेरियन डॉक्टर कहाँ है? वो अंदर है सर। हाँ, और एक कैटलॉग खोलने के बारे में सोच रहे हैं चेरियन डॉक्टर। और फिर वार्ड के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है साहब। वो सब मेरी बेटी के आने के बाद, माँ की याद में ही मैं इस संस्था को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये मत भूलना। और फिर इंदुलेखा, एक और बात बताना ही भूल गया मैं। क्या है सर? हमारी अगली फिल्म की शेड्यूल चेन्नई में होगी। ओह नो। ओहो, चेन्नई में होगी? और बिटिया की एग्जाम भी उसी टाइम है। हाँ, कहाँ है वो खुराफाती? उसका सारा ध्यान पढ़ाई पर ही है। मुद्दत हो गए हम दोनों को एक साथ पी के, क्या कहते हैं? मुद्दतों से दोनों एक साथ नहीं पी, लेकिन आपको शूटिंग से फुर्सत मिले तब ना। गुड इवनिंग अंकल। हाँ, तुम्हारी परीक्षा करीब है ना, इधर आ, कुछ बोलना। इंदुलेखा को फिल्मों में लाने वाला मैं हूँ, और तुम्हारे डैडी का मुझसे क्या रिश्ता पता है ना। सुनो, मेरी अगली फिल्म की हीरोइन तुम हो। ओह नो, नो वे अंकल, परीक्षा सर पर है। खत्म तो होने दो। फिलहाल 2 कलाकार हैं घर में, फिल्मों से मुझे कोई लगाव नहीं है। ओह, तो यहाँ भी एक्टिंग ही है। अंकल जरा मुझे ये स्कूल लाइफ तो एंजॉय करने दो ना, जरा स्कूल के फ्रेंड्स के साथ ऐश तो करने दो मुझे। ब्रिलियंट गर्ल। मेरी बात छोड़िए, आप यहाँ क्यों आए हैं बताऊं क्या? हाँ बोलो। डैडी के ड्रीम रोल लेकर। ये तुम्हारी तरह नहीं है, बहुत ही अकलमंद है। ये न्यू ब्रांड है। अच्छा बेटी, अब तुम जाके पढ़ो। तुम जाओ जाओ जाओ। हूँ तुम्हारे लायक किरदार, डेट्स मिलेगी ना, स्क्रिप्ट भी रेडी है और प्रोड्यूसर भी रेडी है। ओके। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, उसका क्या हुआ? लेकर आया हूँ बालकिशन। तुमने इतनी जल्दी फिनिश कर ली, अच्छा हुआ। साहब आप कहे तो मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ, इसलिए दूसरे काम को छोड़ के मैं इसी में लग गया था पूरी तरह से। जरा तस्वीर को खोलो, दादा को देखना चाहता हूँ। अच्छी पेंटिंग की है, कीमत क्या लोगे? वो सब बाद में वसूल कर लूंगा साहब। पेंटिंग आपको अच्छी लगी ना, चलो बालकिशन। और एक काम करना होगा, दादा को पहनाने के लिए चंदन का हार लेकर आओ। शाम तक पहुंचा दूंगा साहब। हम्म।
क्या हुआ? काफी देर से खड़ी हो, अभी तक सिलेक्ट नहीं की? इनमें से एक भी मुझे पसंद नहीं है मम्मी, चलो चलते हैं। एक भी पसंद नहीं आई? वो ये आपकी बेटी है, और भी नए पीसेस है, लेके आती हूँ। हाँ लाइए, दूसरे ड्रेस देखेंगे। हाँ ओ, गाउन से क्या? हाँ ये देखो, वाओ अच्छा है ना, इसे पैक कीजिए। ठीक है, ये सब गर्ल्स सेक्शन है, ये पूरा एरिया? हाँ। ओके, और वो किड्स का सेक्शन? जी हाँ। हे क्या हुआ, मूड ऑफ क्यों है? पसंद नहीं आए तो एक्सचेंज कर लेते हैं। पसंद है, लास्ट बर्थडे पर मेरी माँ ने मुझे इसी तरह का फ्रॉक खरीद के दी थी और वो पहनकर मैं घूमा करती थी। अच्छा, मुझे वहाँ से कुछ परचेस करना है, तुम यही रहो। हाँ, इंद्रलेखा ने लिया है ये फ्रॉक, उनकी इतनी बड़ी बेटी है, यकीन नहीं हो रहा है। अरे ये इंद्रगुप्त की पहली पत्नी मराठी एक्ट्रेस है ना, माधवी कुलकर्णी, उनकी बेटी है ये। इंद्रलेखा की बेटी है, चेहरा मिलता है। नहीं, वो तो अभी एक बहुत बड़ी स्टार है, बहुत मशहूर आर्टिस्ट है। यहाँ चोरी चोरी बैठे मेरे लैपटॉप में क्या ढूंढ रहे हो? एक आदमी को नेट पे ढूंढ रहा था मैं। किसे? है कोई? कुछ भी ढूंढो आप। खैर, आपकी धर्मपत्नी इंदुलेखा ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। ओह, बहुत खुशी हुई। डायरेक्टली मुझे ही दे सकती थी ना। डायरेक्टली आपने उन्हें कुछ दिया है क्या? पढ़ो पढ़ो, जाके पढ़ो तुम। उफ, अभी तक कुछ रेडी नहीं हुआ। इस तरह से क्यों बड़बड़ा रही हो? मैं भी हेल्प कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। साहब के लिए वेजिटेबल करी रेडी करना है। कोई बात नहीं, आशा मम अंडा करी से काम चला लेंगे। वैसे तुमने ये सब्जियां कहाँ से खरीदी? एकदम सूख गई हैं। बाजार से आते समय मैंने दीवार पे आपका पोस्टर देखा। पिक्चर रिलीज हो गई क्या? और साहब ने उसमें एक्टिंग नहीं की है? की है क्यों? साहब की फोटो पोस्टर में नहीं थी? पोस्टर में वो नहीं थे। नजर आएंगे पोस्टर के किसी छोटे से कोने में, हंसाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। कुछ भी हो, फिल्म की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, उसी की खुशी में मीनाक्षी मुझे लेकर शॉपिंग करने गई थी। अमलू दीदी, इस ड्रेस में मैं कैसे लग रही हूँ? हाय, अच्छी लग रही हो। एक कदम तो तुम पे। इसी तरह तुम्हें खूबसूरत ड्रेस खरीदने चाहिए तुम्हारे लिए, समझी? तो मेरी सिलेक्शन एकदम बेकार बोल रही हो तुम? साहब के साथ जाकर कपड़े तो खरीद कर लाती हो तुम, अच्छा भी नहीं है और धोने से जल्दी सूखता भी नहीं है और जल्दी रंग भी उड़ जाता है। कम से कम इस ड्रेस को अच्छा तो बोल दिया तुमने। हाँ, ये तो खूबसूरत है। तुम्हारी सिलेक्शन है क्या? ये इस मम्मी की सिलेक्शन है। थैंक यू। अरे ये क्या? हाथ में लाठी लिए खड़े हैं? माँ, अमलू दीदी, जल्दी आओ ना। क्या हमारे घर में एक गेस्ट आए हैं। गेस्ट है? एक दादाजी लाठी लेके आए हैं। कहाँ? वो देखो। अरे ओ गॉड, ऐसे खड़े हैं, देखो ना। आपने दादाजी को परदादा बना दिया। हाँ,
आपके दिए हुए सूट में पापा बहुत फब रहे हैं। क्या है? आइंदा दादाजी के बारे में गलत प्रचार मत कीजिएगा। लोगों के लिए तुम एक जोकर हो, लेकिन कम से कम घर में तो जोकर मत बनो। बेटी जवान हो रही है। वो डायरेक्टर रवि जी से बोल रही थी कि हम दोनों घर में भी एक्टिंग ही कर रहे हैं। मैं दादाजी को फेंक थोड़ी सकता हूं। देखो, एक सवाल करूं तुमसे, तुमने दादा की छवि को इस तरह क्यों बदल दिया? तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो दादाजी 30 साल के हैं, लेकिन उनकी असली उम्र तो 80 साल हो गई होगी। इंदर, इस तरह रियल लाइफ में मत जियो, कभी तो रियल लाइफ में भी आ जाओ प्लीज। सुनो इंदुलेखा, हमें बच्चों के सामने प्रेम से पेश आना चाहिए। ये मत भूलो कि वो नई पीढ़ी के बच्चे हैं और उन्हें नेक रास्ते पे ले जाना हमारा फर्ज जो है। हाँ, अरे वही तो मैं भी बोल रही हूँ। जहाँ हमें रहना चाहिए वहाँ किसी और को रखने का फायदा नहीं है। मेरे आगे तो सिर्फ मेरी बेटी है और पीछे देखता हूँ तो दादाजी की तस्वीर। मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। Good morning, Lysians. We are very happy to announce that one of our Lysians, Adil, secured the first prize and a cash award of ₹500 in the essay competition on Hindi ko Shreshth Bhasha ki Padvi. I invite our dear principal to give away the prize. Adil, please come forward. The day. Thank you. Thought for the day, February 10th. Do not look at the circumstances, look above and beyond them. As human beings, we are placed in different circumstances around us. We are supposed not to look at them for our actions. We have to look above and beyond them to fulfill our mission and vision in life. Our mission and vision is shaped as well our faith and conviction. Position for pledge. India is my country and all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Independence Day celebration.
परेड 9 AM. 9 AM? वन मिनट. टीचर, जरा मैनेजर को अंदर भेजिए. श्योर. हाँ फादर, इस नंबर का जरा पता लगा कर देना मुझे. किसका है सर? किसका है इससे तुम्हें मतलब नहीं, नंबर पता लगा कर दो. ठीक है. जॉर्ज. साहब. सुनो जॉर्ज. हाँ. इलेक्ट्रिशियन से कहो जी कि लैब में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उन्हें इस मॉनिटर से कनेक्ट कर दे. जरूर. फौरन जाओ. हाँ. हटो सामने से, वो रिमोट लाओ यहां. हाँ तुम जाओ जाओ. चलो चलो सर. ओ, तो यही है वो. वो फोन दो जरा. स्कूल में तुम यही काम करते हो क्या? सर जी कुछ दिनों के लिए इसे आप फोन मत दीजिए. तुम एक काम करो. हाँ. इसके फादर का नंबर ले लो तुम और ये फोटो को उन्हें फटाफट फॉरवर्ड कर दो. बेटे के कारनामे उन्हें भी तो पता चले. नो सर, यहाँ जो हो रहा है वो ही बताने के लिए आपको मैसेज भेजा था. यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे आपको दुख नहीं है, लेकिन मेरे फॉरवर्ड करते ही आप दुखी हो गए. बकवास किए बिना जाओ यहाँ से. हाँ सर, वो फोन. फोन. हाँ जॉर्ज, इस फोटो को डिलीट करके फोन इसे दे देना. जरूर. थैंक यू सर. चलो. हर एक मानव के कंकाल प्रणाली में 206 हड्डियां होती हैं और ये हड्डियां ही हमें एक रूप और शक्ति प्रदान करती हैं. ये खूबसूरत इंसान चंद लम्हों में इस तरह कंकाल बनकर फिर राख में परिवर्तित होने का एक चित्र आज मेरे मन में है. आप लोगों के किसी के मन में ऐसा एक चित्र कभी उभरा है क्या? सर, जॉन ऑफ आर्क. गुड. और हमारे जीवन को संचालित करते हैं इस तरह के कई ट्रेजिक सीन. इस कंकाल को देखकर आपको हंसी भी आ सकती है और जब राख बनती है तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं. पुराणों में कहा गया है ना, जो ज्यादा हंसता है वही रोएगा. सर,
मीनाक्षी इंद्रगुप्त, रंजीत के आर, दोनों प्रिंसिपल के रूम में जाओ। एक और बार प्ले करो। आई, ये धुआं कैसे आ रहा है? जरा फ्रीज करो, फ्रीज करो। कहीं टेस्ट ट्यूब तो नहीं फट गया? हाँ, हाँ, तो होटल का है, जरूर ऐसा ही होगा ना। एक और बार प्ले करो। मैं कम इन सर? यस, ऑफ करो। आओ 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 आओ। आप दोनों किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाइए, वही अच्छा रहेगा। यहाँ की लैब बच्चों की रिसर्च के लिए है, यह पता होना चाहिए आप दोनों को, ना कि प्रेम ग्रंथ पर रिसर्च करने के लिए। सुनो, उसे ऑन करो। उधर देखिए। ऑफ करो। देखो, कल ही टीसी पकड़ा देता हूं। सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे देखो, मुझे तुम्हारा नहीं, तुम्हें यहां जिन्होंने भेजा है उनका प्रॉमिस चाहिए। सर, घर में पता लग गया? पता लगने दो। फिल्म में भी सेंसर बोर्ड ऐसे सीन पर कैंची चला देता है, पता है ना? अपने डैडी को यह सब देखकर खुश होने दो, उन्हें भी लाओ। सर प्लीज। सर, नो नो मोर माफी। देखो, मुझे यह स्कूल चलाना है। ओके ओके, दफा हो जाओ। सर प्लीज। सर ओके, पेरेंट्स के आने के बाद ही क्लास में जाना तुम लोग। हाँ जाओ जाओ। हाँ चलो। अब खड़े खड़े क्या कर रहा है, ऑन करो ना। May I come in, sir? Yes. Good evening, sir. Good evening. Please, tashrif rakhiye. Thank you. स्कूल में जो विषय उसे नहीं पढ़ना चाहिए, वही आपकी बेटी यहां आकर पढ़ रही है। जॉर्ज जी, जरा दिखाइए इनको। ऑन करो। देखिए, देखिए, आजकल के जवान स्टूडेंट्स तो इस तरह की हरकतें करते ही हैं। इसको रिकॉर्ड करके रखना अच्छी बात है क्या? सही मायने में ये एक ब्लैकमेल है ना सर? 1200 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, अगर वो सब यही करते रहेंगे तो इस संस्था को आप क्या कहकर बुलाएंगी? पहली बार एक माँ को अपनी बेटी की तरफदारी करते हुए देख रहा हूं। आप फिल्मी हस्तियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कैमरे के सामने रोजाना करते हैं। स्कूल के भरोसे पे ही स्टूडेंट के माता पिता उन्हें यहां पर भरोसा करके भेजते हैं। वो ये सब देखकर ना ही सीटियां बजाएंगे और ना ही तालियां बजाएंगे। मैं सीटियां या तालियां बजाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगी। ये सच है, मेरी बेटी से भूल हुई है, मगर इस तरह से रिकॉर्ड करके मुझे बहुत दुखी कर दिया। इस तरह के दृश्यों को रिकॉर्ड करने के लिए सीसीटीवी नहीं है। लैब में जब कोई बड़ा नुकसान होता है तो लड़के उससे किनारा कर लेते हैं, उसी के लिए ये कैमरे लगवाए हैं। मगर इसकी जद में बाकी लोग भी कारनामों के साथ आ जाते हैं। सर, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको वचन देती हूँ। हम बिटिया को समझा बुझा देंगे। फाइन, देखिए, आपकी बेटी की मेहरबानियों के कारण ही आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे नई फिल्म वगैरह चल रही है सर, उसी दौरान ही आपने मुझे बुलाया था। ओके, मैं इसे डिलीट कर दूंगा।
फाइन भर के बेटी को क्लास में जाने के लिए बोलिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, पहली बार इस अभिनेत्री को देख रहा हूं मैं। और मैं भी। मम्मी, शूटिंग छोड़ के आ रही हूं मैं। फाइन भरने के बाद क्लास में जा सकती हूँ, प्रिंसिपल ने बोला। मम्मी मम्मी मम्मी, ये सब डैडी से मत बोलना, प्लीज प्लीज प्लीज। बेटी, तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया कि फिल्मों में एक्टिंग करो। किया क्या? तुम्हारी उम्र में इस तरह का ही एक किरदार मुझे फिल्मों में करना पड़ा था। हम तुम्हें फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए मजबूर करेंगे, ऐसा सोचकर यौवन को उजाड़ना मत। हेलो, अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मीनाक्षी ने केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब तोड़ दिया, 50 रुपया फाइन भरने की बात जो थी। हाँ, यही सच है, मैं स्कूल से लोकेशन आ रही हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी, ओके। किसी कलाकार के फोटो को इस तरह फाड़ना अच्छी बात नहीं है। आपके फिल्म के पोस्टर को हम नहीं फाड़ेंगे साहब। इसी विदेशी फिल्म की कॉपी है ये हिंदी फिल्म भी, बहुत झेल लिया हमने। तो आप लोग पोस्टर फाड़ने के लिए निकल पड़े हैं? नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ और कर रहे हैं। रोशनी, ले लो ले लो, हो सकता है सिनेमा की शूटिंग हो। बच्चों देखो, हमारे स्कूल में एक नए गणित मास्टर आए हैं।
जिंदाबाद बहुत को एक्सलेंट है ना हटो 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 जाने दो डिस्टर्ब मत करो जाने दो ओके टेक केयर थैंक यू हटो हटो चलो चलो हटो सर कल आपने हमें कॉल शिप दी है हां याद है कल सुबह ही शूटिंग शुरू होगी सर हां क्यों नहीं हटो 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 बाद में फोन करती हूँ। ए दद्दू, आज पहली बार जिंदगी में इतना खुश हुआ हूँ। चैपलिन ने ही मुझे कलाकार बनाया है। उस महान कलाकार से इंट्रो कराने के लिए ही मैं इसी वेश में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये क्या है? क्या है ये? अरे जरा यहाँ तो देखो। ओह बहुत अच्छे लग रहे ना। सुपर्ब, जरा चल के दिखाओ ना। एग्जैक्टली चाली की तरह ना। रुको रुको रुको, एक फोटो लेती हूँ। ओके स्माइल, यस। सुपर्ब, वंस मोर। ओके। इंदुलेखा, शायद आज ही जिंदगी में पहली बार हम दोनों पति पत्नी के एक्टिंग के दायरे से बाहर निकले हैं। कम से कम मेरे प्यार को पहचान लिया। याद है शादी की रात तुमने मुझसे कई बातें कही थी, शायद तुम्हें याद नहीं रहेगा। माता पिता के बारे में, पहली पत्नी के बारे में कुछ मत पूछना ऐसा बोला था। आज तक मैंने कुछ नहीं पूछा। फिर और एक बात कही थी तुमने, सिर्फ अभी नहीं जिंदगी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा तन आगे की ओर और मन पीछे की ओर जाता है। आज ही मुझे एक मनपसंद किरदार जो मिला है। स्कूल से आते यहाँ कर बैठ गई, तुमको ट्यूशन नहीं जाना क्या? डैडी, डैडी आपके लिए खत है। कैसा खत? वो भी ईमेल और इंटरनेट के जमाने में। क्यों, आजकल कोई किसी को खत नहीं भेजते हैं क्या? बेटे इंद्रगुप्त, मैंने तुम्हें टीवी में और अखबार में बहुत बार देखा है। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझसे खफा नहीं होंगे। तुम्हारे पापा की जिंदगी एक सफर ही है, और उस सफर के दौरान बुधवार को मैं वहां पर भी आने वाला हूं। बेटे, तुमसे मिलने की इच्छा हो रही है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए वहां तक आओगे? तुम्हारा पिता। मतलब आने वाले बुधवार को ना मीनाक्षी? क्यों ना हम भी जाते हैं और डैडी को यहाँ ले आएंगे। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, मैं तन्हा चला जाऊंगा। बाबूजी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे वहां आने के लिए बोल रहे हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं। खैर छोड़ो, मैं कुछ ना कुछ बोल के उन्हें यहां लेकर आऊंगा, फिर उन्हें जाने नहीं दूंगा। आओ। हेलो सर, मेरी एक विनती है, बुधवार को कुछ काम है, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं? क्योंकि बुधवार को बाबूजी से मिलने के लिए मुझे गांव तक जाना होगा। ओह नो, आप ऐसा मत बोलिए, पहली बार मैं आपसे विनती कर रहा हूं।
प्लीज। ओके, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, थैंक यू। अमलू दीदी, उसे आप फेंकना मत, वो मेरे दादाजी की माला है। क्या हुआ? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं डैडी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, घर जाके डायरी देख के बताता हूँ, वो भी कल ही। ठीक है, उसे मेरी डेट चाहिए। अरे वही पंडित जी, मुझे लगा एक दिन वो मुझे भी बुलाएंगे। अंकल, हाँ, मीनाक्षी को लेकर नहीं आए क्या? कुश्ती का अखाड़ा हुआ करता था कभी ये जगह, तुमने इसे क्रिकेट का मैदान बना दिया। तुम दोनों से बाद में निपटता हूँ। आहा, अरे अचानक कैसा आना हुआ? जमाई राजा कहाँ है? वो पीछे खड़े हैं, वो कस्टमर से बातें कर रहे हैं। आज वो घर के एंटीक पीसेस लेके जाने वाले हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी एंटीक पीस कहकर वो किसी को बेच ना दे, यही डर है मुझे। अरे चुप भी करना। इन दोनों को जब भी देखो खेल खेल खेल। देख, बैट रखकर डैडी से जाके बोल मामा जी आए हैं, जा। हाँ ठीक है, चलो भैया। तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। बाबूजी ने खत भेजा है मुझे, गांव के रेलवे स्टेशन में मिलने की बात लिखी है उन्होंने। अरे साले साहब, यहाँ कैसे? बाबूजी के खत आया है। इस खत से किसी ने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। यह किसी की आपसे पैसा ऐंठने की चाल है, वरना कोई बाप बेटे से रेलवे स्टेशन पर मिलने को कहेगा? यहाँ आने के लिए बोलो, इसी घर में हम उनसे मिल लेंगे, या फिर आपके घर में आने के लिए बोलो। जवाब लिखने के लिए इसमें एड्रेस नहीं है। जब मेरी इससे शादी हुई तब भी तुम लोगों के पास अपना कोई एड्रेस नहीं था। केयर ऑफ प्लेटफॉर्म हो ना। मेरे कुछ कस्टमर बाहर खड़े हुए हैं, मैं उनसे मिलकर आता हूं। नहीं, मैं नहीं आती, इनकी तांगे सुनकर तंग आ चुकी हूं मैं। मां डैडी के इंतजार करते करते बीमार हो गई, फिर भी मन में वेदना रख के वो मर गई। हमने भी बहुत झेले हैं, हद कर दी। अगर वो आ भी गए तो मैं उन्हें स्वीकारूंगी नहीं। तुम्हें आना है तो आओ, मैं तो जा रहा हूं। डैड है मेरे, इस दुनिया में मुझे लाने वाले वही है, ये सारी दुनिया को मैं बोल दूंगा। मम्मी कहा करती थी ना, एक ना एक दिन वो जरूर आएंगे। और आपने उस दिन माँ के साथ कैसे पेश आया पता है आपको? गौतमी, वो बचपन की बातें हैं। आज मैं अपने बाबूजी से किसी भी कीमत में मिलना चाहूंगा, यही मेरी दिली ख्वाहिश है। फिर भी मैं नहीं आऊंगी भैया, उन्हें ये सब पसंद नहीं। एक मिनट, मैं चाय लेके आती हूँ। ये एक दुर्लभ एंटीक पीस है, 150 साल पुराना। आज दुकान पर छुट्टी है इसीलिए मैंने आपको यहाँ आने के लिए बोला। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत कम ही मॉडल देखने को मिलेंगे। मेरी गैर हाजिरी में भी आप दुकान से यह सब पीस ले सकते हैं। ये पुरातन वस्तुएं, ये तालाब अत्यंत ही मनमोहक हैं।
पुरानी वस्तुएं अगर हमारे इर्द गिर्द रहेंगी तो सारा वातावरण अत्यंत मनोरम रहेगा। नहीं तो योगा करना होगा मुझे अपने साले की तरह। वो एक्टर इंद्र गुप्त है ना? हाँ, हमारे साले ही हैं। वो मेरा मेन कस्टमर भी है, अक्सर यहाँ आकर ऐसी सुपर चीजें ले जाते हैं। तो फिर हम कल मिलते हैं। ओके। वैसे भी चिट्ठी लिखने वाले डैडी ही हैं, इसका कैसे विश्वास करें हम? क्या इतना ज्यादा सोच में डूबे हो? इस लेटर को फाड़ के फेंक दो। बुढ़ापे में कोई दूसरा काम नहीं है क्या? सभी को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। खैर, ये बात किसी को भी अब बताना मत। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, जिंदगी में मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, जीवन देने वाले डैड से मिलना। मैं निकलता हूं। तुम्हारे भाई को तो इस जिंदगी में नहीं बदल सकता। हमारी परवरिश के लिए माँ ने कितनी तकलीफें उठाई है मुझे पता है। कुछ भी हो, मैं डैड से जरूर मिलूंगा। माँ जिंदा रहती तो बाबूजी से कभी मिलने नहीं देती। साहब, आपको कुछ चाहिए? ब्लैक टी? नहीं, ठीक है, मैं कुछ खा के आता हूँ। एक ऑमलेट ले ले। हाँ हाँ, चंदन मुझे एक रोटी देना और साहब के लिए एक ऑमलेट, फटाफट। वो फिल्म कलाकार है ना? हाँ हाँ। टाइम हो रहा है। फिर मिलेंगे साहब।
गाड़ी रुको। अरे रिवर्स लो। अरे नहीं नहीं साहब, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ आओ रिवर्स आओ। अरे आओ भी। बेटी तुम इस तरह तन्हा रात में। इस तरह तन्हा रात में तुम। ट्रेन छूट गई है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? अरे तुम सो ही नहीं क्या? सुनो हम लोग अभी भी गाड़ी में ही हैं। कहाँ हैं ये बताना बहुत मुश्किल है। तुम सो जाओ। ओके। तुम डरना मत। देखो तुम्हारी उम्र की मेरी भी एक बेटी है मीनाक्षी, उसी का फोन था। जब मैं 15 साल का था तब मेरी माँ मर गई, तब छोटी बहन 10 साल की थी। डैडी तो सिर्फ यादों में ही बसे हुए हैं। फिलहाल मैं अपने डैडी से मिलने जा रहा हूँ। ऐसे में किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें गाड़ी में जगह दी। दादा से ही पता चलता है, हमारे खानदान में सबके सब हट्टे कट्टे हैं, पता है? मेरी माँ कद से छोटी थी। तुम्हें पता है दादाजी बहुत बड़े पहलवान थे और उनकी तूती बोलती थी गांव में। जय बजरंगबली, अखाड़े में आओ। सामने बढ़कर दाहिने पांव को आगे रख के हाथों से नमन करते हुए दाहिने हाथ और दाहिने पांव को एक साथ उठाकर, हाँ फिर बाएं हाथ और बाएं पांव को हवा में लहरा के ये लीजिए नारियल पानी। यहाँ के देवी देवताओं के साथ आप जीवन जिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। ये सब छोड़कर अंग्रेजों से दुश्मनी क्यों मोल रहे हैं आप? देख, हमारे देश की आजादी के लिए मैं लड़ रहा हूँ पता है, और मरते दम तक मैं लड़ते रहूंगा। और दादी माँ ने कहा कि लोग हमसे जरूर बदला लेके ही रहेंगे। कहीं डैडी भी उसी की वजह से गायब तो नहीं हो गए? चाहे कुछ भी हो जाए दादाजी, सुभाष जी के साथ वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और ब्रिटिश को भगाने में उन्होंने भी काफी यात्राएं झेली थी, ये सबको पता है।
साहब वो चली गई। तो जाने दो, तुम पार्किंग एरिया में जाके खड़े रहो। लगता है ट्रेन आ गई है। ये गाड़ी मुंगेर से आ रही है या मुंबई? मुंगेर से। बेटी, डैडी आ गए हैं। क्या हुआ? डैडी से नहीं मिल पाए ना?
बेटा जरा देखना कौन है। हाँ हाय आंटी। हेलो, कैसे हो? खुश हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हाय, ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? रोजी रोटी के लिए कर रहा हूँ। हाय अंकल। हाय गौतमी कहाँ है? वो अंदर है। ये बड़ा ही दुर्लभ एंटीक पीस है, कल ही मुझे मिला। बहुत से लोगों की इस पे नजर है, 50,000 तक देने को तैयार है। तुमको मैं 45,000 में दे दूंगा। फिलहाल मैं ये सब खरीदने के मूड में तो नहीं हूं। देखिए, डैडी से मिले क्या? कैसे है वो? जानना चाहती है कि क्या उसकी तरह गोरा है, या तुम्हारी तरह काला, या फिर तुम्हारी तरह दुबला पतला, या फिर उसकी तरह भरे बदन का। कुछ भी हो, बाबूजी की तस्वीर मोबाइल में क्लिक तो कर ली होगी ना? तभी मैंने कहा था ना, मत जाओ। 10 साल की उम्र में माँ भी हमें बेसहारा छोड़ के चली गई। उनके बारे में सोचकर रोना ही हमारे तकदीर में लिखा है। माँ को तर्पण नहीं करती, सच्चे मन से उन्हें कभी पुकारती नहीं। कुश्ती का जो अखाड़ा था वो भी तोड़ दिया। आजीवन पितृदोष से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारा मन पुरातन वस्तु की तरह ही है, बदला नहीं। जब भी देखो पुरानी यादों में खोए रहना। दादाजी की बातें और कुश्ती के किस्से, हम अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकलकर देखो वर्तमान में जीते हैं। तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे तो 500-600 फ्रेंड्स हैं। इतना है क्या? मेरे तो 250 ही हैं। तुम्हें? अरे तेरे बस इतने ही हैं, मेरे तो 1,000-1,500 के ऊपर ही होंगे। मैं तुम दोनों की तरह सबको एक्सेप्ट नहीं करती। मैं जिन्हें जानती हूँ उनको ही एक्सेप्ट करती हूँ। ओ चल हटना। तुम्हारे 2-3 दोस्त मेरे म्यूचुअल लिस्ट में भी है। सो तो है, लेकिन मैं तुम दोनों की तरह नहीं करती हूँ। मुझे जो भी इन्विटेशन भेजता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। देखिए, जमाना बदल गया है, लेकिन हमारे रिश्तों को बदलने की क्षमता किसी भी सिस्टम में नहीं है। आप लोगों के दिल में माँ बाप के लिए कोई भी इज्जत नहीं है, राइट? जो अपने माँ बाप की एक झलक पाने के लिए तड़पते रहते हैं, उनके मन को समझने की कोशिश कीजिए। इंदुलेखा, चलती हूँ। बाय अंकल। बाय। सर, इसमें से कौन सा ड्रेस? ये ठीक है। ओके सर। सर ये ठीक है ना? शॉप, इंद्रगुप्त सर आ गए। वो आ गए? हाँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते। इस किरदार को सिर्फ तुम ही निभा सकते हो इंद्रगुप्त, और हम प्लानिंग के मुताबिक शूटिंग भी खत्म कर देंगे। वो तो एक डिफरेंट कैरेक्टर जो है रवि बाबू, उस किरदार को मैं निभा पाऊंगा यही मेरी समझ से बाहर है, इसलिए आप किसी और को साइन कर लीजिए। पिछले 12 वर्षों से मेरी हर फिल्म में कोई ना कोई किरदार करते आ रहे हो तुम इंद्रगुप्त। कब से तुमने मेरे फिल्मों के किरदार को चुनना शुरू किया इंद्रगुप्त? हेलो, मैं शूट में हूँ, शाम को बुलाता हूँ। मैसी, क्या प्रॉब्लम आ गई है जो तुम इस रोल को करने से इनकार कर रहे हो? आजीवन हास्य कलाकार बन के ही रहोगे क्या? वही कलाकार है जो हर किरदार को करता है। हाँ सर, अगले हफ्ते जॉर्ज सर की पिक्चर शुरू होने वाली है, वो भी US में, और मेरी 2 महीने की डेट उनके पास है। इसको पुख्ता करके मैं आपको शाम को बताता हूं। तुम्हारे अलावा किसी आर्टिस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं मैं। इस फिल्म की फाइल बंद कर दूंगा मैं। हाँ जीजो सर, 50 लेंस ही है ना? यस सर। आर यू श्योर?
हेलो सर. वो है हमारे प्रिंसिपल. देखिए ध्यान रखिए उन्हें कोई तंग ना करे. नमस्ते सर. ओके सर. मेरे डैडी आइए. नमस्कार. ये स्कूल की टीचर. नमस्कार सर. हम लोग ऑफिस रूम में चलते हैं. हाँ चलो बेटी. एक ऑटोग्राफ दीजिए ना. सब लोग यहीं रुको. यहीं रुको. कोई अंदर नहीं आएगा. बस एक ऑटोग्राफ. तुम यूं ही उछल नहीं रही हो. तुम्हारी सहेलियां तो तुमसे दो कदम आगे हैं. सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. आपकी फिल्म देखते हंसते हंसते मैं लोटपोट हो गया हूँ सर. नाम क्या है? रंजीत. मीनाक्षी का क्लासमेट. हाँ तो तुम ही हो वो. तुमसे बात करने के लिए अक्सर मुझसे रिचार्ज करवाती है. इसकी माँ तुझे ढूंढ रही है. सर एक और बात. हम चाहते हैं कि आप ऐसा किरदार करें कि सारी दुनिया. हम तो कोई भी किरदार कर लेंगे लेकिन तुम अपना किरदार अच्छी तरह निभाना. जाओ अच्छी तरह पढ़ो. इंद्रगुप्त को क्या हो गया? इंद्रगुप्त की जिंदगी में आ गई थी मैं. पहली फिल्म में ही मोहब्बत हो गई. शूटिंग में अपनी बेटी के साथ आने वाले इंद्रगुप्त को मैंने अपना दिल दे दिया और वो पहली पत्नी से तलाक ले चुके थे. मुझे कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला. अपनी बेटी के प्रति उनका असीम प्यार देखकर अनजाने में मैं उन्हें चाहने लगी. और उसे आप एक कलाकार का दूसरे कलाकार के प्रति प्रेम भी बोल सकते हैं. मीनाक्षी आज मेरे लिए बेटी से बढ़कर है. बहुत चाहती हूँ मगर उन दोनों को आज तक मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ. वो सब तो अतीत की बात है. आजकल इंद्रगुप्त सबसे बोल रहा है कि वो अभिनय से तंग आ चुका है. एक ही किरदार से बोर हो गया होगा. लगता है फिल्मों से उनका मोह कम हो गया है. फिल्मों से संन्यास लेने की बात कर रहे थे वो मुझसे. मैंने उसे उसी दिन कहा था कोई विकल्प नहीं है. अगर उसी दिन उसने इनकार कर दिया होता तो आज मैं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता. सर एक और बार मैं उससे बोलकर देखती हूँ. हेलो. हेलो. हाय. इस फोन में वो सारे एप्लीकेशंस हैं जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी. पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देने की नौबत ना. यही चाहता हूँ. यानी कि मिसयूज मत करना. हेलो सर. हाय. हेलो. डैडी आपके साथ क्राउडेड एरिया में जाने कितना अच्छा लगता है. आपको जानने लगे हैं लोग और साथ में मुझे भी जानने लगे हैं. आपको छोड़ के मैं कहीं दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती. रंजीत से बिछड़ने का मन नहीं है. बोलो डैडी. अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था बेटी. वैसे मेरे कॉल को अटेंड करना. तुम शूटिंग का बहाना बनाकर मुझे भूल मत जाना. श्योर. हेलो सर. हेलो सर. हाय सर. हेलो सर. हाय सर. हेलो सर. हाय सर. हाय. 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 बाय बाय. हाय. तुम्हारे डैडी की हॉस्पिटल है इसलिए तुम MBBS कर रही हो ना? कहीं भी जाऊं पर तुम्हारी कमी महसूस होगी. Wonderful performance. Thank you. माधवी मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगी. मीनाक्षी से मिलना चाहती हूँ मैं.
दो दिन मैं यहीं रहने वाली हूँ। तुम उसे कभी भी मिल सकती हो, मगर उसका ब्रेन वॉश मत करना। मिस्टर इंदर, मैं अपनी बेटी मीनाक्षी के लिए जी रही हूँ। तुम्हें दूसरी औरत जो मिल गई है, मैं यहाँ तन्हा जी रही हूँ, मेरे नृत्य और उन गमों के सहारे। सुनो माधवी, उसके बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इंदुलेखा से तुम्हारा समझौता होता है तो मीनाक्षी को मुझे सौंपोगे। इंदुलेखा उससे बहुत प्यार करने लगी है। मुझे मेरी मीनाक्षी वापस चाहिए और आपको सुखी दांपत्य जीवन मिले। आई विल ऑलवेज प्रे फॉर दैट। চৈত্র সন্ধ্যা বাতাস হয়েছে উতলাকুল, বাতাস হয়েছে উতলাকুল, পথ তরু শাখে ধরেছে মুকুল, রাজার কানে ফুটেছে বকুল, পারুল রজনী গন্ধা। অতি দূর হতে আসিছে পাবনে বাঁশির মধুর মন্ত্র, জনহীন পুরী পুরবাসী সবে গেছে মধুবনে ফুল উৎসবে, শূন্য এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা, বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, পথ তরু শাখে ধরেছে মুকুল, রাজার কানো ফুটেছে বকুল, পারুল
रजनी गंधा पारुल रजनी गंधा पारुल रजनी आज तक मेरे मन में सिर्फ तबले का नाद ही समाया हुआ था, लेकिन अब से तबले की धुन पर थिरकने वाली तुम्हारी ये सुंदर छवि ही रहेगी। आप तो बहुत ही मशहूर कलाकार हैं। मैं तुम्हें अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। अभिनेत्री बनने का विचार है तो फिल्में भी दिला दूंगा। अरे ये क्या बेटी, ये चीजें तो एक साल के लिए हैं। तुम ही ने कहा एक हफ्ते के अंदर आओगी, यही करार था। पहले पहले करार ऐसा ही होता है, बाद में करार बेकरार। कोई भी करार नहीं है। डैडी को देखे बिना मैं एक दिन भी रह नहीं पाऊंगी। आप क्वेश्चन क्यों नहीं शिफ्ट होते? कई फिल्म स्टार्स क्वेश्चन में शिफ्ट कर चुके हैं। उस बारे में मैं भी सोच रहा हूँ बेटी। कल तुम्हें ड्रॉप करते समय हम वहाँ एक फ्लैट देखेंगे। थैंक यू डैड। ये लीजिए बिटिया का बैग। अरे बिटिया आंसू पोछो, मैं तुमसे मिलने आऊंगी ना। बी हैप्पी ओके। हेलो, अभी तुम कहाँ हो? यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही है। उसके बिना सब कुछ सूना सूना लग रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ देर से एक ही नंबर से कॉल पे कॉल आ रहे हैं। कहीं बिटिया तो नहीं? अननोन नंबर है। मैंने सोचा कि बिटिया होगी, तुम फोन अटेंड कर लेती। हेलो, आप कौन हैं?
बात खूब, मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। हेलो, मैं एक्टर इंद्रगुप्त हूँ। ठीक है, कौन सी बच्ची? उसे मैंने स्टेशन में छोड़ दिया था। ओ गॉड, अभी भी हॉस्पिटल में है? अफसोस की बात है। कौन सा हॉस्पिटल? हाँ हो, इसमें शुक्र है कि इस बात का। दीदी दीदी, इसे भी रख लो ना। अरे अमलू छोड़ो भी। अरे बैग में ठूस ठूस के भर रही हो, ये सब क्या है? आम का अचार, नींबू का अचार, रबड़ी, मुरब्बा और फिर मोती चूर के लड्डू, ये सब हॉस्टल में रखने के लिए जगह होगी अमलू? बेचारी एक हफ्ते से हॉस्टल का खाना खाकर तंग आ गई होगी। कल सुबह इसने बड़ी मेहनत करके ये सारी चीजें बनाई। दीदी छोड़ो अमलू, यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है। वैसे मैंने जो कहा याद है ना तुम्हें, बाहर का गेट बंद करने के लिए गोपाल जी से बोला, वो तुम्हारी मदद करेंगे। जी दीदी। कितना हुआ? 40 रुपए। वो फोन पर कौन था? याद है तुम्हें एक लड़की के बारे में बोला था, वो किसी गुंडों के हाथों से बच के हमारे गाड़ी के सामने आ गई। मानसिक संतुलन खोने वाली उस बच्ची को हमारे अस्पताल में भर्ती कराया है। वो शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे फोन किया था। वो बेचारी इतनी रात कहाँ गई होगी? ये तो नहीं पता, लेकिन वो पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। क्यों ना हम जाते समय उस बच्ची से मिलकर जाते हैं। ठीक है, मेरा मन भी यही बोल रहा है। देखिए वो बच्ची रितु है ना, उसकी डिटेल्स तैयार है? हाँ तैयार है। साहब आ रहे हैं। ये बात है। थैंक यू सर। बयान को सुन लिया ना? ठीक ही है ना? ठीक है, हस्ताक्षर करो अभी। नमस्कार। नमस्कार, आप बता सकते हैं वो बच्ची कहाँ है? 101 में। अब जाइए, हम देख लेंगे। इंदर, इंदर,
पिताजी। हाँ डैडी हैं, ये मेरे डैडी हैं। जरा रुको, जरा रुको, मेरे डैडी को मेरे हवाले कर दो, इनका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ मैं। कहो ना ये मेरे डैडी हैं। हाँ ये इन्हीं के डैडी हैं और आजीवन ये इन्हीं की तलाश में घूम रहे थे। इन्हें हमारे हवाले कीजिए, दया कीजिए। खत में लिखा था कि हमसे मिलेंगे, लेकिन आज इनको ऐसी हालत में मिलेंगे। हे ईश्वर, जरा वो खत तो दिखाइए इन्हें। कैसा खत, किसका खत? हमारे मन में कोई इच्छा नहीं, हम तो बौद्ध भिक्षु हैं। आइए चलिए। एक सौ एक कमरे की वो लड़की जब अपने डैडी से मिलने रेलवे स्टेशन गई तो दो बदमाश वहां पर खड़ी गुथरीन के पीछे जबरदस्ती करके खींच कर ले गए। उसकी चीख सुनकर वहां से जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं में से एक उसके पास गए और वो लड़की वहां से बचकर भाग गई। बदले में बेचारा ये बौद्ध भिक्षु उन बदमाशों के हाथों मारे गए। इन्हें कल यहाँ लेकर आए थे, सर पर गहरी चोट लगी थी। प्लीज मेरे डैडी को मेरे हवाले कर दीजिए। ये हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, ना कि आपके परम पूज्य पिताश्री। सांसारिक मुंह माया से मुंह मोड़ने वाले के बारे में इस तरह नहीं बोला करते। कदापि इनका अपमान करने का प्रयास ना करें, यही आपसे विनती है। आखिर सच क्या है ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आखिरकार डैडी हमारी माँ के पास स्वर्ग में पहुँच चुके हैं। इन बच्चों के पिता की कोई खबर मिली क्या जानकी? माँ देखो भैया आ गए हैं। बस बेटे तुम्हारे डैडी क्या आ गए क्या? नहीं माँ। गौतमी, गौतमी चलो चलो। तुम आओ, जल्दी आओ। गौतमी
कोई बात नहीं, बहुत खूब। डायलॉग भी बोल नहीं पाता है, एक्टिंग भी नहीं आती है इसे, किसने लाया इसे? सर, सर एक बार मैं एक्टिंग और तुम? हाँ ठीक है, कोशिश करो जाओ। हाँ क्यों शंकर, आज भी चढ़ा रखी है क्या? ये हमेशा ऐसे ही है। ये क्या बोल रहा है, सरकार ने नशाबंदी करके बहुत बुरा किया। नोटबंदी के कारण सब यहाँ से भाग भी गए। कट, बहुत खूब, कमाल कर दिया तुमने। शुक्रिया। ये घर तुम्हें पसंद आया कि नहीं? घर पसंद है भैया, ये देखो फोटो। हमारे दादाजी बहुत अच्छे हैं ना, क्यों ना ये फोटो हम रखते हैं। आइए, आज से ये हमारे दादाजी हैं। फिर तुम माँ को भी यहाँ लेकर आ गए ना? अब वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ, हेलो इंद्रगुप्त, प्रीव्यू देखा मैंने, हिला दिया तुमने। हाँ एक्सेलेंट। ये किरदार मुझे ढूंढ के आया है या फिर उन्होंने मेरे अंदर वो किरदार ढूंढ लिया है? यही वो कॉलोनी है, यहीं से मैंने जीवन की शुरुआत की और वहीं पर मैंने अपनी देवी जैसी माँ को भी खोया है और वहीं से पापा भी हमें छोड़ के चले गए थे। अब जाके इस दिल ने तुम्हें चाहा है। We are in true love.